आई कान छोर चीज रे ए भाई भाई रे ए सीधा चला कान कान नहीं रास्ता आप आई जे रे ए भाई भाई रे ए कान चीज रे भाई मो के निबन कर रे ए भाई। सबका सिटी एक्सप्रेस में स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देश को दुनिया की तमाम वो छोटी बड़ी खबर लेकर के हम पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर के आज हम मौजूद हैं बायसी प्रखंड के गांगर पंचायत करबला टोला में, जहां पे एक आलीजान नाम का लड़का, 25 वर्षीय लड़का जो गुम हो गया है। यहां से मिली जानकारी के अनुसार इनके भाई और इनके पिता जो है उन्होंने बताया कि ये जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता था और इस कमाने के लिए मुजफ्फरपुर गया हुआ था, दो दिन पूर्व गया हुआ था और वहां से वो गायब होने की सूचना मिली है, जिसको लेकर हम तहकीकात के लिए उसके परिवार वाले के यहाँ आए हैं और तमाम वो जानकारी लेकर के आप तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई से और उनकी माँ, उनके बाप, पिता जो भी मौजूद हैं, हम उनसे उनकी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, किस तरह से वो गायब हुई है और क्या उम्र था और क्या एड्रेस है। आखिर तमाम जानकारी लेने के बाद आप तक हम ये पहुँचा रहे हैं। और उनका भाई का कहना है कि उनका जो भाई 25 वर्षीय जो भाई है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे और दो दिन पूर्व वहाँ से गायब हुआ। हालांकि उनसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम जो वहाँ से निकल चुके हैं। और फिर आज जब उनसे बात हुई फ़ोन पर तो तमाम वो जानकारी दिया और उसके बाद जो है फिर फोन स्विच ऑफ हो गई। ये उस लड़का का घर है, हम कैमरामैन को कहेंगे मेरे साथ आइए। ये उस फैमिली, उस लड़के का घर है। देखिए आज जो है दो दिन बाद भी जो है इस फैमिली का क्या स्थिति है वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वो तस्वीर आपको हम दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये उनका रहने का घर है। देखिए घर की स्थिति देख करके ये महसूस होता है कि किस तरह का परिवार से वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और जो तमाम वो तस्वीर आपको इकट्ठा करके हम दिखा रहे हैं कि जो आलीजान नाम का जो एक 25 वर्षीय लड़का है, अपने मेहनत वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था और वहाँ से फिर वो गायब हो गई। चूल्हा तक जो है आज दो दिन से जो है खाना नहीं बन रहा है, तमाम लोग उपवास में बैठे हुए हैं। माँ और पिता की जो हालत है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ उनकी मम्मी है, ये उनके पिता हैं, मेरे बगल में जो है भाई हैं। तमाम लोग गम के माहौल में बैठे हुए हैं, ग्रामीण भी काफ़ी मौजूद हैं। तमाम लोग का यही कहना है कि आखिर जो भी उनके भाई या फिर बेटे को यहाँ तक पहुँचा देंगे उनका वो एहसान मंद रहेंगे। और तमाम वो खबर के लिए हम पहुँचे हुए हैं और उनसे बात करने की आखिर किस तरह से उनकी ये हालत हुई है। और एक एक तस्वीर हम घर की दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने घर की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बाहर गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अलीजान जो है 25 वर्ष का लड़का, शादी हुई थी और सीधा साधा है। वहाँ से वो गायब होने के बाद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया भाई द्वारा और भाई को बताया गया कि हम वहाँ से निकले हैं, लेकिन आज जब उनसे कांटेक्ट किए गए तो उनका फोन जो है स्विच ऑफ है। फिर घर वालों की परिस्थिति ऐसी है कि ये लोग तमाम जो है लोग रो रो कर उनका बुरा हाल है। चूल्हा तक बंद है, खाना नहीं बनाया गया है। आखिर लोग जो है उनके याद में जो है गमगीन माहौल में बनाया। आप बने रहिए मेरे साथ तमाम वो वीडियो के लिए। अलीजान नाम, अलीजान हाँ। कहाँ से गायब हुआ है? वो वही मुजफ्फरपुर से। अच्छा, सीधा सलंगगंज है, वह कुछ नहीं जानो हूँ, आने घर पहुँचे। कितना दिन हुआ गायब होने का? कल 4 बजे तक। चल 4 बजे से गायब है। अच्छा, क्या करने गया था वहाँ? काम करने का, मजदूरी करता था। अपना फसल बोल। ठीक, जो लड़का खोया है कौन है आपका? वो बेटा है। कहाँ गया था? वो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्या करने के लिए? काम करने के लिए। कितना दिन से गायब है? कल से गायब है। कल से। क्या नाम था? अलीजान नाम। अच्छा, क्या चाहते हैं? बेटा को लोन। अच्छा, जहाँ जे कोना पे वो कोना के झन लोगों से बुक। अच्छा, लोगों से आप मांग कर रहे हैं कि खोज के ला दें? हाँ। आपका नाम क्या है? आप उनकी माँ हैं? हाँ। कैसे, क्या मामला हुई है यहाँ पे? यहाँ कल 3 बजे खुना फोन हुई है, वहाँ से 3 बजे खुना फोन जो बोलते बोले तो भैया नीचोक बोले, वहाँ से फोन बोलते यहाँ से फोन लगानो तो कहे तो बोले नीचोक बोले जोर मास्टर हेली काम करो आपको भेजिए बेतिया जिला मुजफ्फरपुर। हाँ, तो वहाँ से जो फोन लगाए तो पहले तो नीचोक, वहाँ बाद
वहां जो फोन लगाए तो रात के 9 बजे 8 बजे खुना फोन लगाए तो कहीं दहाई मिले दलकुला पहुंचिए सीधा रन से एकदम बिल्कुल कुछ नहीं जानो हिसाब किताब नहीं जानो परवा लिखो नहीं जानो आ रहा तहन चला फिरक नीचे एकदम चला नीचे एकदम बिल्कुल सीधा है जिधर घुमाबो इधर घूमे यहाँ पूर्णिया मोड़ के कभी दलकुला के कभी पूर्णिया मोड़ उसम सीधा है वो हिसाब किताब जानो काम करो आगे कहाँ पे मुजफ्फरपुर बेतिया जिला। अच्छा कितना दिन पहले गया था वो जुमा के रोज गया था जुमा के दिन आज 26 तारीख को मतलब वो ये खबर मिला 26 तारीख को वहाँ से गायब 27 तारीख है ना 26 तारीख को उससे कांटेक्ट करने का आप लोग कोशिश किए मोबाइल के थ्रू उनके पास मोबाइल होगा हाँ मोबाइल छे क्या कुछ बताया उसने कुछ बताया वही खाली एटा बताया हम बोले दलकुला छी तो हम दलकुला नहीं चीज अत्य जल्दी थी 2-3 घंटा थी दलकुला से पहुंचे आप वहाँ से वही देर छी ती दुकान वाला डाक नंबर कहा बोले ये दुकान नहीं जाए बोले सुनसान रास्ता जाए सुनसान रास्ता से बोले अभी बोले वहाँ बोल रहा दखा जा बोले अच्छा उधर बोले गाड़ी जा उधर दखा जा हम बोले वहाँ जाम तो तुमको कब बात हुई थी ये कल रात के 8 बजे कल रात को उसके बाद फिर आप आज फिर वहाँ बाद फिर फोन लगानू फिर देखे दे वो कहा दिले तो हेलो करे बस राखे दिले कुमार ऑटो वाला टेम्पो वाला दिले ना कहा दिले अच्छा आप मोबाइल लगा रहे हैं तो स्विच ऑफ बता रहे वार बाद नेटवर्क क्षेत्र से बाहर अच्छा कितना उम्र होगा उसका उसका उम्र लगभग 18-19 साल कितना उम्र होगा 25-26 साल 25-26 साल शादी भी दिलाए थे उनका हाँ अच्छा यही हाल ही अभी शादी है याद दे कर रखी वो क्या करते थे इससे पहले क्या करते थे वो मोर से काम कर टेबल गा रहे मेहनत मजदूरी करते हाँ मेहनत मजदूरी अच्छा पहली बार गया था बाहर हाँ पहली बार अच्छा जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे क्या मांग कर रहे हैं क्या कह रहे हैं उनको अपने भाई के लिए ठाकुर जी मोर फेकाने जी यहाँ पहुँचे थी वे हाँ सुनिश्चित तरीका जी मोर फेक राख दे राखे हम सब फोन करो हमारा अनुआ जाम आपका फोन नंबर है जी मोबाइल है जी अच्छा जो नंबर दिए हैं उसी पे कांटेक्ट करने से आपसे बात हो जाएगी जी ठीक सूचना मिली है कि एक लड़का 2 दिन से गायब है कौन लगेंगे वो मेरा भाई है कहाँ से गायब हुई है यहाँ से बेतिया से अच्छा क्या करने गए थे वो सरिया का काम करने गया था अच्छा किस तरह का माइंडली कैसा क्या है क्या नाम है उनका अलीगर नाम है उसका दिमाग कम है थोड़ा ऐसे ही भी मतलब जो कुछ कह नहीं सकता सीधा साधा भोला आदमी है पहली बार गया था क्या जी अच्छा, पहली बार गया है इससे पहले कहाँ क्या करता था इससे पहले घड़ी में रहता था वो किसान का काम कर रहा था क्या उम्र है उसका उसका 18 साल से ज्यादा है 21-22 साल उसका पिता का नाम क्या है मजहबुल नाम है अच्छा कौन सी जगह के हैं वो रहने वाले ये करबला टोला गुहास पंचायत गांगर पंचायत गांगर थाना कहाँ बायसी है जिला पूर्णिया आपका नाम क्या है मेरा नाम अली असगर है आपका कौन है भाई भाई कितने भाई से आप लोग 6 भाई से कौन से नंबर का वो मेरी बात है तीसरे नंबर चौथा नंबर में शादी उदी दिलाए थे उनको दिला दिया उसको कहाँ पे लोगाड़ा में डालपुर अच्छा जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे हैं आप भाई के लिए क्या अपील कर रहे हैं लोगों से हम यही चाहते हैं दे कोई भी अगर मेरे भाई को लाके देगा तो हम कुछ भी होगा तो हम दे देंगे और लाके दे दे मेहरबानी हो सबसे अच्छा हो किसी तरह का कोई मोबाइल नंबर आपके पास है अगर उससे वो कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे बात हो जाएगी बात हो जाएगी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो आपका नंबर दिया जी ठीक है।